डिगर तो कहीं से मिला नहीं था। मैंने शुगर मिल से बात की थी, वो कहते हमारे पास तो है नहीं और शायद यहाँ एरिया में है भी नहीं। मैंने मैनुअली गड्ढे खुदवाए थे और उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आया था। इस बार मैं एडीओ साहब से मिला बिलासपुर, उन्होंने मुझे बताया, कहता हमारे पास डिगर है और मैं फिर अपना उन्होंने बताया यमुना नगर ACDO ऑफिस में डिगर है हमारे पास, थोड़ा पुराना है और थोड़ा फिर देखना पड़ेगा कि चलेगा या नहीं। मैं वहाँ गया, चलो देखा, हमने थोड़ा काम होना था वो हमने करा दिया। और इस बार वो जो खर्चा था 15,000 का आया था हमारे पिछली बार खुदाई का, अब की बार वो बच गया। वो ट्रैक्टर का तेल है जो सा 1,000-1,500। जैसे आपने पिछले साल की थी खेती इसकी गड्ढा विधि से, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट लगे थोड़ा सा उसके बारे में? हाँ जी, एक तो उसमें गन्ना गिरता नहीं और लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो मैंने लगाया था पिछले साल फरवरी के लास्ट में, उसकी जो हाइट है इस टाइम गन्ना 12 फुट पे पहुंच चुका है। वह टोटल पौधे की हाइट तो 15 फुट है लेकिन गन्ना 12 फुट पे पहुंच गया और गन्ना मोटाई भी होगी अगर इसको स्पेस मिलेगा ना, जैसे लाइन टू लाइन 4 फुट का है और गड्ढे से गड्ढा 2 फुट है। इस बार भी वही है पिछले बार भी था, इससे हवा धूप अच्छी लगती है। आपकी जैसे नॉर्मली 3 से 4 बंदाई होती है? हाँ जी हाँ, उसमें आपकी सिर्फ एक बंदाई, 6-7 हज़ार लग जाते हैं उस पर बंदाई। और इस बार एक ही बंदाई की है, मेरा 1,800-1,900 रुपये लगे हैं एक बार की। लेबर का खर्चा भी, लेबर का खर्चा, कीट प्रबंधन बढ़िया होता है उससे। कीट प्रबंधन हर एक गड्ढे का हम ध्यान रख सकते हैं, बीस में कमी है। अब गन्ना जो ट्रेडिशनल मेथड है कन्वेंशनल, उसमें हम अंदर जाके देख नहीं सकते कौन सा पौधा खराब, इसमें हरेक लगा सकते हैं। हाँ जी, इसमें हरेक पौधे की हम गड्ढे की देखभाल कर सकते हैं, किसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत है, किस में क्या बीमारी है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये विधि आपको अच्छी लगी सर? बहुत अच्छी लगी। तो आप से आग्रह करेंगे कि और किसानों तक भी ये संदेश आप पहुंचाएं? हाँ जी ठीक है सर, धन्यवाद।